नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। यशस्वी जायसवाल के शतक के बाद टीम इंडिया ने ऐसा प्लान बनाया कि शुभमन गिल के साथ दो खिलाड़ियों पर खतरा मंडराया। जी हां, इस वक्त टीम इंडिया के अंदर से बड़ा अपडेट आया है। सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि यशस्वी जायसवाल के इस दोहरे शतक के बाद टीम इंडिया ने ऐसा प्लान बनाया है। कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा दोनों ने एक ऐसा सीक्रेट प्लान बनाया है, जिस सीक्रेट प्लान के बाद शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर दो खिलाड़ियों के ऊपर खतरा मंडराने लगा है। दो खिलाड़ियों में से किसी एक को बाहर होना पड़ेगा। इन दोनों में से किसी एक का करियर, मेरे हिसाब से टेस्ट करियर को, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि शायद अब उस पर विराम लग जाएगा। उस टेस्ट करियर पर अब शायद बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त शुभमन गिल के खराब फॉर्म और श्रेयस अय्यर दोनों की खराब फॉर्म को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर दोनों रन क्यों नहीं बना पा रहे हैं। दोनों पिछले कई टेस्ट मैचों से लगातार फेल चल रहे हैं। शुभमन गिल तो पिछले 13-14 पारियों से रन नहीं बना पाए हैं, उनके बल्ले से कोई बड़ी पारी नहीं निकली है। उनकी तकनीक पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस अंदाज में वो आउट होते हैं, जिस अंदाज में वो कैच होकर आउट होकर जा रहे हैं, जिस माइंडसेट के साथ वो मैदान पर उतर रहे हैं, उस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। उसके बाद में श्रेयस अय्यर की तकनीक और माइंडसेट, उस पर भी सवाल बहुत खड़े हो रहे हैं। ऐसे में अब बहुत बड़े एक्शन की तैयारी होनी शुरू हो गई है। खबर बीसीसीआई के हवाले से जो आई है वो ये है कि तीसरे टेस्ट मैच में इन दोनों में से कोई एक 100% बाहर होगा। अब वो बाहर कैसे होगा और कौन होगा, उसके लिए बीसीसीआई ने एक प्लान बनाया। दरअसल प्लान ये है कि तीसरे टेस्ट मैच से पहले एक बड़ी अच्छी खुशखबरी आई है कि केएल राहुल फिट हो जाएंगे तो जाहिर तौर पर तीसरे टेस्ट मैच में वो टीम इंडिया के साथ जुड़ जाएंगे। ये सीधी सीधी सी बात है। अब अगर केएल राहुल टीम इंडिया के साथ जुड़ेंगे तो जाहिर तौर पर कोई एक खिलाड़ी बाहर होना पड़ेगा, किसी एक को प्लेइंग 11 से बाहर होना पड़ेगा। अब वो बाहर कौन होगा, उसके लिए बीसीसीआई का एक प्लान है। प्लान ये है कि बीसीसीआई सबसे पहले राहुल को किस नंबर पर खिलाना चाहती है ये बात देखेगी। अगर राहुल को बीसीसीआई नंबर 4 पर खिलाना चाहेगी तो श्रेयस अय्यर को बाहर कर दिया जाएगा। अगर बीसीसीआई राहुल को नंबर 3 पर खिलाना चाहेगी तो शुभमन गिल को बाहर कर दिया जाएगा। ये चीजें अभी तक प्लान बनाया जा रहा है, क्योंकि श्रेयस अय्यर नंबर 4 पर खेल रहे हैं वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, शुभमन गिल नंबर 3 पर खेल रहे हैं वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में टीम इंडिया भी ये प्लान बना रही है कि आखिर राहुल को किस नंबर पर खिलाकर कौन से खिलाड़ी को बाहर किया जाए, क्योंकि श्रेयस अय्यर भी ऊपर जा सकते हैं, राहुल भी ऊपर जा सकते हैं नंबर 3 पर। ऐसा कोई नहीं है कि केएल राहुल नंबर 4 पर ही खेलेंगे। तो अभी ये प्लान बनाया जा रहा है कि आखिर किस खिलाड़ी को बाहर किया जाए और किस खिलाड़ी के ऊपर गाज गिरेगी। तो जाहिर तौर पर ये बड़ा अपडेट आया है तीसरे टेस्ट मैच से पहले कि केएल राहुल टीम इंडिया में आ जाएंगे। आएंगे तो एक खिलाड़ी 100% बाहर जाएगा। अब आपके हिसाब से वो खिलाड़ी कौन होना चाहिए, शुभमन गिल या श्रेयस अय्यर, दोनों में से किसको बाहर किया जाना चाहिए, आपके हिसाब से कौन सा खिलाड़ी खराब खेल रहा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।